नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़। कई पंचायत चुनाव को लेकर के हमारी जो टीम की जो सर्वे रिपोर्ट है वो आ चुका है और किशनगंज के कोचादामन में 10वें चरण की कल वोटिंग होनी है। वोटिंग को लेकर के जो सर्वे टीम ने जो एक्चुअल रिपोर्ट्स को सामने लाया है, मैं चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है, ऐसे में आप चौंक सकते हैं इस रिपोर्ट से। पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो रिपोर्ट्स है, हालांकि पंचायत चुनाव कोचादामन के में जो हो रही है चुनाव, वहाँ पर ये पूरे बिहार में कोई पार्टी लेवल पर हुई नहीं है। इसको जो है गवर्नमेंट जो इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से जो सैंपल दिया गया था उसी के बेस पे चुनाव हुई है। चुनाव के जो सर्वे रिपोर्ट है, मैं आपको चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है सामने, मैं आपको बता दूं कि ये रिपोर्ट एक सबसे बड़ी रिपोर्ट है, चौंक सकते हैं इससे। मैं आपको बता दूं कि बिशनपुर पंचायत से मुखिया पद पर बन सकते हैं पिंटू चौधरी, ये बड़ी रिपोर्ट आई है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि कारीपुर पंचायत में सादा मुआजम मुखिया बनते दिख रहे हैं, जो सर्वे रिपोर्ट आई है वहाँ पर सीधा सीधा कहा जाता है कि सादा मुआजम जो है वो मुखिया बन सकते हैं कारीपुर पंचायत में। और साथ साथ में बता दें कि सुंदरबाड़ी पंचायत से बड़ी रिपोर्ट आई है, सुंदरबाड़ी पंचायत में जो है बन सकते हैं मुखिया पद पर, जिनका नाम है तनवीर आलम, और सीधा कंटेन जो है उनका हो रहा है आमिल, मुखिया आमिल है जो प्रेजेंट में मुखिया है उनसे है। और ज़्यादातर मानना यह है कि जो सर्वे रिपोर्ट है, हमारे सूत्र बताते हैं कि वहाँ पे तनवीर आलम मुखिया बनते दिख रहे हैं। और अगली खबर की ओर बढ़ते हैं कोचादामन पंचायत से। कोचादामन पंचायत में भी कहा जा रहा है कि वहाँ बड़ा ही कंटेन है, वहाँ पे बन सकते हैं मुखिया असलम जफर, फिर पांचवीं बार मुखिया बन सकता है, ये बड़ी बात कही जा रही है। जो हमारे सर्वे रिपोर्ट है ये बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट से सिद्ध होता है कि लोग बदलाव जो है इस बार मुमकिन देखने को मिल रहा है। एक और सर रिपोर्ट आई हुई है, मैं आपको बता दूं सोनथा पंचायत की जो रिपोर्ट आई है, सीधा कहा जा रहा है यहाँ पर दो नेताओं में कंटेन है, एक तरफ बाबर है तो दूसरी तरफ मुखिया प्रत्याशी के रूप में है जमील। यानी यहाँ पे सीधा यूं कहें कि बाबर वर्सेस जमील के बीच में कंटेन किया गया। हालांकि बाबर की भाभी है वो चुनाव मैदान में है, मगर उनके नाम से ही बताया जा रहा है, सीधा उनसे है। और एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट है जो हल्दीगुड़ा पंचायत में है, वहाँ सीधा दिख रहा है कि ऐसे में वहाँ सवा अनवर जो इस बार युवाओं का जो बदलाव की एक मुहिम है वो कहीं ना कहीं दिखने को मिल रहा है। सवा अनवर जो है वहाँ सीधा ईद कहा जा रहा है कि वहाँ पे मुखिया बनने की ज़्यादा संभावना है, सवा अनवर की ओर ज़्यादा बढ़ते संख्या दिख रही है, ये हमारे सूत्र बताते हैं। मैं अगली खबर की ओर बता दूँ आपको कि पंचायत चुनाव को लेकर जो जिस तरह की तैयारियाँ थी, जो सरकार की एक सिस्टम था, वो कहीं ना कहीं एक चौंकाने वाली सर्वे रिपोर्ट आई है। मैं आपको बता दूं कि एक रिपोर्ट और आई है गढ़गांव पंचायत से, बड़ी चौंकाने वाली बात है। गढ़गांव पंचायत में वहां कहा जाता है साजाद वर्सेस अकमल के बीच, अजमल के बीच है, वहां पे बड़ा ही कंटेन है, इन दोनों में से कोई एक मुखिया बन सकते हैं। हालांकि पुराने का जो है भागाडोल चल रहा है, ये हमारे सूत्र बताते हैं। अब आप आ जाते हैं हम आपको लेकर के जिला पार्षद 3 सीटों के सर्वे आई है, जहां पर क्षेत्र संख्या 8 में साजा कौशल राही वर्सेस, माफ कीजिएगा, कौशल राही वर्सेस अरविंद के बीच में टकराव है। लोग कहा जा रहा है अगर अरविंद को मुस्लिम वोट मिल जाने से जिला पार्षद बनते दिख रहे हैं, ये हमारे सूत्र बताते हैं। दूसरा कंटेन मैं आपको बता दूं कि एक बड़ी सर्वे रिपोर्ट आई है जहां कौशल राही वर्सेस जो है वो अरविंद की बताई जा रही है, वहां मुस्लिम वोट मिल जाने से वो पार्षद बन सकते हैं। एक और सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मैं बता दूं क्षेत्र संख्या 10 को लेकर के, जहां सर्वर प्रेजेंट चेयरमैन है उनका सीट खिसकता दिख रहा है, वहां नासिक नादिर भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं, ये हमारे सूत्र बताते हैं। और हमारे सूत्र ने एक्चुअल रिपोर्ट, ये बहुत बड़ी सर्वे रिपोर्ट आई है, चौंकाने वाली रिपोर्ट है, आप सोच सकते हैं जहां क्षेत्र संख्या 10 पर प्रेजेंट चेयरमैन का सीट खिसकता हुआ नजर आ रहा है, ये चौंकाने वाली बात है, वहां नासिक नादिर बन सकते हैं जिला पार्षद। जहां तक क्षेत्र संख्या 9 की बात है, सीधा 2 सीटों को लेकर चल रहा है यहाँ पे झाटू प्लस, यहाँ पे
अब्दुल हक के नाम से एक व्यक्ति हैं, उनके और कैसर राही के बीच में ये कहा जाता है कि इन दोनों में से कंटेन है कोई एक पार्षद बनते हुए दिख रहा है। हालांकि पुनः पुराने पार्षद यहां से मंजूर थे, उनका सीट खिसकता हुआ दिख रहा है। ये सबसे बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक। मैं आपको बता दूं कि कजलामुनि पंचायत के पंचायत चुनाव में मुखिया पद वहां से नौशाद आलम की सीट खिसकते हुए नजर आई है, तो वहां पे अबू नसर जीतते हुए दिख रहे हैं। ये आज का रिपोर्ट है, लगातार लाइव 24 न्यूज बड़ी रिपोर्ट दे रही है। बने रहिए हमारे साथ, मैं अगला रिपोर्ट लेकर फिर कुछ देर में ही हाजिर होऊंगा। बने रहिए लाइव 24 न्यूज पर।